रामगढ़ विधानसभा चुनाव में हारने के बाद बीजेपी में भले ही हार की समीक्षा का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा का मानना है कि जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था उन्हें चुनाव में उठाने में पार्टी नाकाम रही है। ज्ञानदेव आहूजा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। फायर ब्रांड नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा हमारे साथ मौजूद है, रामगढ़ सीट से पूर्व विधायक रहे हैं और रामगढ़ सीट आखिर बीजेपी के हाथ से क्यों फिसली, इन बातों पर बातचीत करेंगे। वैसे रामगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, क्या कुछ कारण रहे, कहाँ कमी रही, प्रचार में कमी रही, या यूँ कहे हम पूरा ध्यान नहीं दे पाए, कहाँ कमी? आप बहुत पॉजिटिव पत्रकार हैं और आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। सीट गई है कांग्रेस को तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही, और कोई न्यूनता कोई कमी रह गई हम लोगों के ओर से जो सीट गई है। फिर भी मैं वहाँ की जनता को और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आभारी हूँ कि हमारे 71,000 समथिंग वोट आ गए और हम लोग सीट लूज कर गए, लेकिन वोट हमारे कम नहीं आए। कांग्रेस ने जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किया है, बाकी नेता आरोप लगाते हैं, मैं कभी आरोप नहीं लगाता, लेकिन पहली बार बोल रहा हूँ, वहाँ के पुलिस थानेदारों ने, वहाँ के पुलिस अफसरों, थानेदार के अफसरों ने डीलर्स को धमकाया कि तुम्हारे डीलरशिप चली जाएगी, राशन डीलर्स, अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए नहीं दरवाजा तुम्हारे अलग अलग जहाँ जहाँ के तुम डीलर हो। वहाँ के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को धमकाया गया और कि अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, साफिया खान ने खुद रहे और फोन की कॉल डिटेल ले ली जाए तो उनके फ़ोन में मिलेंगे। और इतना ही नहीं है तो वहाँ पर जो अवैध खनन करते हैं, जिसको विधानसभा में लगातार बोलता रहा हूँ, उन लोगों को अगर तुम्हारे ट्रैक्टर बंद कर दिए जाएंगे, सट्टे वालों का तुम्हारा सट्टा बंद कर दिया जाएगा, सट्टा खेलना बंद कर दोगे, और अगर तुमने कांग्रेस को नहीं जीता तो सट्टे वालों ने जोर लगाया, डीलर्स ने जोर लगाया और जोर लगाया, शक्ति लगाई पूरी की पूरी, और वहाँ पर कर्मचारियों ने और पुलिस के अफसरों ने, कांग्रेस ने धमका धमका जिस ढंग से वोट लिया है, वो पूरी शक्ति का अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री सहित जो 14 मंत्री और 40 एमएलए वहाँ घूमे और सत्ता का दुरुपयोग के साथ में रामगढ़ सीट गई है, रामगढ़ सीट जाने का कारण विशेष ही है। सीधे तौर पर सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आरोप है, सरकारी मशीनरी का, सरकारी शक्तियों का, और इतना हल्का माननीय सीएम साहब के खिलाफ, मैं गहलोत साहब के खिलाफ व्यक्ति कभी नहीं बोलता, पहली बार कह रहा हूँ कि 8 तारीख को जेल भरोगे तो जेल से छूट नहीं पाओगे, ये कोई लोकतांत्रिक शब्द है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक बोल है। जिस ढंग से उन्होंने धमकी दिया, तो मेरे जैसा आदमी तो जेल में जो कई कई बार गया, कितनी बार गया, इस बात की क्या परवाह है कि हम लोग जेल भरेंगे और जेल से नहीं छूटेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो जनता हमारी लड़ेगी और लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव ज्ञानदेव जी, जो सीट ज्ञानदेव आहूजा निकाल सकते थे वो सीट बीजेपी के हाथ से निकलना, आपको लगता नहीं बहुत कुछ होया है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें मेरा नाम आपने लिया है। हाँ, ये ठीक है, मेरा डैशिंग नेचर है, ये ठीक है, मेरा अग्रेसिव नेचर है, और बहुत फायर ब्रांड मुझे कहते हैं हिंदू नेता, और हिंदुत्व के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, राष्ट्र रक्षा के नाम पर मैं वहाँ संघर्ष करता हूँ। वहाँ सीधा झगड़ा एच और एम का है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन मैं गौरक्षा के नाम पर और भारतीय संस्कृति सभ्यता के नाम पर मैंने कहा। वर्तमान जो कैंडिडेट था बहुत सीधा सरल है, अच्छा आदमी है, उसका चरित्र ठीक है, और से सरल होने के कारण से और थोड़ा सा इस संबंध में वहाँ नुकसान हुआ होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि फिर भी 71,000 वोट आए तो उस कैंडिडेट को, सुखवंत सिंह को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, और मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। ये तो हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा, साफ तौर पर कहना है कि रामगढ़ चुनाव को लेकर के 71,000 वोट का हालांकि दावा कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर गहलोत सरकार पर भी आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया है, तो यही कारण रहा कि रामगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में हुई है। कैमरामैन दिनेश पारी के साथ राकेश कुमार, न्यूज इंडिया।